मध्य प्रदेश में गुना जिले के बीनागंज नगर में आज किसानों के हित में, किसानों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चाचौड़ा पूर्व विधायक ममता मीना के नेतृत्व में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक ममता मीना ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता मीना ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है, सरकार ने जो वादे किए थे वह पूरे करने में पूरी तरह से असफल रही है। प्रदेश कांग्रेस सरकार क्षेत्र के किसानों की खराब हुई फसलों का तुरंत सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलवाए एवं वृद्धावस्था पेंशन सहित 21 बिंदुओं पर मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार चाचौड़ा सुधीर कुशवाहा को दिया। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। सभा पर प्रदेश व्यापी धरना आंदोलन है और शांति के साथ हमने किया है, क्योंकि किसानों की खड़ी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है, फसलें खड़ी है, कोई तो अपालन है, कई कीटनाशक उसमें लग गए, कई पीला मोजक लग गया और उसके कई अपालन हो गया, कई जो फली लग रही थी वो भी टूट के गिर रही थी। अभी तक कोई भी सर्वे करने अभी तक पहुंचा नहीं है, सरकारी अमला पहुंचा नहीं है। तत्काल सरकारी अमला जाए, सर्वे कराए और 40,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से किसानों को मुआवजा देना चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो किसानों को 2 लाख रुपए के कर्जे का झूठा वादा करके जो ये लंगड़ी लूली सरकार आई है, किसानों को तत्काल 2 लाख रुपए का ये कर्जा जो माफी घोषणा करी थी वो माफी, कर्जा माफी करे। और उन्होंने राहुल गांधी जी उस समय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनने आके कहा था उज्जैन में कि नहीं तो 10वें दिन में हम लोग, अगर इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया मध्य प्रदेश का, हमारी सरकार बनाओ नहीं तो हम 10वें दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो इतना समय होने आ गया, 9 महीने हो गया, 10वां महीना चालू हो गया, अभी तक तो इन्होंने मुख्यमंत्री को बदला नहीं है, तो इनको बदलना भी चाहिए, क्योंकि 2 लाख का कर्जा माफ अभी तक हुआ नहीं है और 2 लाख का कर्जा माफ करे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।